एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमें मैंगो लीफ बनाना सीखेंगे जो बिल्कुल ओरिजिनल लुक में है। कितनी ब्यूटीफुल है, बिल्कुल परफेक्ट शेप में मैंगो लीफ कैसे बनाना है, आज इसी मैंगो लीफ को बनाना सीखेंगे। इस वीडियो को पहले मैंने ये मैरीगोल्ड फ्लावर बनाना सिखाया था, ये देखिए तो आपने बना के रख भी लिए होंगे। अब हम ये मैंगो लीफ बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि मैं जब भी और जो भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी बनाई हुई मैंगो लीफ कैसी लगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस मैंगो लीफ बनाने के लिए हमें 4 प्लाई की वूल एंड 5 नंबर क्रोशेट हुक का यूज़ करेंगे 3.0 में। तो सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे। फोर चैन, 1, 2, 3 एंड 4, 4 चैन ली हमने, 4 चैन ली। अब 1, 2, 3 ये फर्स्ट चैन है, इसमें से हम बनाएंगे डबल क्रोशेट लेंगे 1, 2 एंड 3। ये 3 डबल क्रोशेट लिए हमने, टोटल हमने 4 डबल क्रोशेट बनाए, 3 चैन भी काउंट की हमने, तो 1, 2, 3, 4 4 डबल क्रोशेट बनाए हमने, 1, 2, 3। वर्क को टर्न करेंगे। यहाँ से कैसे बनाना है ध्यान से देखिए। अब ये जो हमारा 3 चैन है, डबल क्रोशेट है फर्स्ट, सेम प्लेस में इसी चैन के ये देखिए लास्ट में इस पॉइंट में ही हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 बनाए, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम 1, 2, 2 एंड 3। यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। हमने अपनी सेकंड वाली स्टिच में इंक्रीज किया, 3 डबल क्रोशेट बनाए, नेक्स्ट में 1, फिर ये जो 3 चैन है इसमें भी एक 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे। टोटल हमने डबल क्रोशेट बनाए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 3 चैन, 1, 2 एंड 3। वर्क को टर्न किया, सेम प्लेस में बनाएंगे। ये देखिए 3 चैन है, इसी सेम प्लेस में बनाएंगे 1 डबल क्रोशेट। अब ये हमारे 1, 2 हो गए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशेट बनाएंगे 3, 1, 2, 3। अब हम थर्ड के बाद फोर्थ स्टिच है, यहाँ पे इंक्रीज करेंगे 1, 2, 3। तो ये हमने 3 डबल क्रोशेट बनाए। ये देखिए पहले हमने 1, 2 सेकेंड के बाद थर्ड वन में इंक्रीज किया, अब हम 1, 2, 3 थर्ड के बाद फोर्थ वन में इंक्रीज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में, नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट एंड नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट। टोटल हमने 9 डबल क्रोशेट बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 9 डबल क्रोशेट बनाए, 3 चैन। अब ये जो 3 चैन है इसमें हम नहीं बनाएंगे डबल क्रोशेट, 3 चैन, नेक्स्ट में 1, 2, 3। 3 चैन, वर्क को टर्न करेंगे, सेम प्लेस में डबल क्रोशेट बनाएंगे, सेम 3 चैन में सेम बनाएंगे डबल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ से हमने 1, 2, 3 थर्ड से इंक्रीज किया, थर्ड के बाद हम फोर्थ के बाद इंक्रीज करेंगे, तो 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट में 1, 2 एंड 3,
4 के बाद इंक्रीज किया, 1 2 3 4। इसके बाद हमने जो फिफ्थ स्टिच है इसमें इंक्रीज किया, 3 डबल क्रोशेट बनाए, कंटिन्यू। नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो देखिए इंक्रीज किया हमने 4 7 9 एंड 11, 3 चैन, वर्क को टर्न किया, सेम प्लेस पे 1 डबल क्रोशेट, 3 चैन भी काउंट करेंगे 2 3 4 5 5। अभी हमने 5 डबल क्रोशेट बनाए, यहाँ पे इंक्रीज करेंगे 6 में, 5 बनाए 6 7 8, नेक्स्ट में 9 10 11 12 एंड 13। हुए हमारे वर्क को टर्न करेंगे, सेम प्लेस में डबल क्रोशेट बनाएंगे 1, ऐसे हम इंक्रीज करते हुए टोटल 17 कंटिन्यू 17 डबल क्रोशेट तक आएंगे बनाते हुए। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 रो बना के कंप्लीट करेंगे पहले। ये हमने 7 रो बना के कंप्लीट की, 7 लास्ट रो में हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, टोटल 17 हमने डबल क्रोशेट बनाए। वर्क को टर्न करेंगे, कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाएंगे 17। ये सेंटर है लीफ का, कंटिन्यू अभी डबल क्रोशेट बनाएंगे टोटल 17, इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब ये हमारा 1 डबल क्रोशेट 3 चैन नेक्स्ट से बनाना स्टार्ट करेंगे, 1 3 चैन भी काउंट किया, 2 3 4 5, ये देखिए कंटिन्यू 17 डबल क्रोशेट बनाते इस पॉइंट तक आएंगे। ये देखिए बनाई हमने लास्ट में 15 बनाए, 16 अब यहाँ 3 चैन में भी एक बनाएंगे 17। अभी तक हमने इंक्रीज किया, सेंटर की जो एक रो है हमने कंटिन्यू 17 बनाई, 17 डबल क्रोशेट तक इंक्रीज करने के बाद 1 रो इसके ऊपर कंटिन्यू 17 के ही बनाएंगे। उसके बाद 3 चैन 1 2 3 3 चैन, अब यहाँ से हमारे डिक्रीज स्टार्ट हो जाएगा बढ़ना। ये देखिए पहले हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
एंड 15। यहाँ से हमने थ्री चैन भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये जो हमारी वन स्टिच है, ये जो यहाँ 16, ये देखिए 16 हुआ, यहाँ से थ्री चैन में भी हम बनाएंगे 16। ये बनाएंगे थर्ड थ्री चैन 1 2, तो ये हमारे 17, अब 16 हुए, अब 15 होंगे 1, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे बनाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये देखिए यहाँ पे हमारे हो गए 15। अभी हमने 16 बनाए, 17 16 15, अब 14 बनेंगे 1 2 एंड 3। थ्री चैन वर्क को टर्न करेंगे, अब थ्री चैन को ये वाली स्किप करेंगे, थ्री चैन में पहले हम इंक्रीज करते थे, अब यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ से हमें नेक्स्ट से ही बनाना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। थ्री चैन भी काउंट किया हमने तो हमारे हो गए यहाँ पे 14। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड ये थ्री चैन है लास्ट 14 हो। अब टर्न करेंगे 13 फिर 12 11 एंड 10, 10 तक बनाते हुए डिक्रीज करते हुए आएंगे ऐसे ही पूरा। ये देखिए हम 10 तक आ गए डिक्रीज करते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 तक आए, 1 2 एंड 3, 3 बनाया हमने, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट, 1 2 3, चैन भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमें 8 लेनी है, हम 1 स्किप करेंगे नेक्स्ट में बनाएंगे, यहाँ से ये देखिए ये 1 स्किप करेंगे नेक्स्ट में बनाएंगे, टोटल हमारी 8 हो गई, 10 8। वर्क को टर्न करेंगे, थ्री चैन वर्क को टर्न किया, नेक्स्ट में बनाएंगे 1 डबल क्रोशेट, 1 2, थ्री चैन भी काउंट किया हमने बनाई 3, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे हमने बनानी है 6, 5 बनाए डबल क्रोशेट, 1 स्किप करेंगे नेक्स्ट में बनाएंगे 6, थ्री चैन वर्क को टर्न किया 1 3 चैन भी काउंट किया 1 2 3, 1 स्किप करेंगे 4 बनाई हमने, 3 चैन हमारा 1 डबल क्रोशेट है 1
टू टू एंड थ्री, थ्री बनाएंगे यहाँ पे, फोर के बाद थ्री है, थ्री चैन, नेक्स्ट में सेंटर वन टू थ्री, नेक्स्ट में बनाएंगे वन डबल क्रोशेट। ये हमारी लीप बन के कंप्लीट हो गई पूरी। अब हम वूल को कट कर देंगे। टोटल हमने 20 रो बना के कंप्लीट की, पूरी 20 रो बना के कंप्लीट की। अगर आपको इसे छोटी लीप बनानी है तो हमने 7 रो के बाद इंक्रीज, 7 रो तक इंक्रीज़ किया, 5 रो तक इंक्रीज़ करेंगे, उसके बाद आप डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी लीप छोटी बनेगी। अब हम सेंटर का पार्टीशन देंगे ओरिजिनल लुक देने के लिए। लूप बनाएंगे, पहले नॉट लगाएंगे, सॉरी नॉट लगाई हमने, अब यहाँ से चैन लेंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर एक हम चैन लेंगे थोड़ी दूर से, ये थोड़ी लूज करके बैक साइड से ही लेंगे, ये जो हमारा ये धागा है बैक साइड से ही आएगा। ये देखिए स्लिप स्टिच लेंगे पहले यहाँ पे, ये जो लूप था फर्स्ट वाला इसी में हम निकालेंगे, पहले एक बार निकालेंगे, ये देखिए आ गया हमारा ये धागा। अब हम बैक साइड से ही बनाएंगे, तो ये जो हमारा वूल है ये बैक साइड से रहेगा। कि कैसे बनाएंगे लूप, ये लूज, ये जो लूप है इसको हम थोड़ा सा लूज करेंगे यहाँ से, थोड़ा सा फर्स्ट जो हम बनाएंगे लूप उसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट नेक्स्ट आपको बहुत इजीली बन जाएगा। ये देखिए जो अब हमारी ये फर्स्ट रो है, ये रो है हमारी, ये सेंटर की वन टू थ्री, थर्ड है, थर्ड में हम इन करेंगे लूप को, ये लूप को हम बैक साइड से ही लेंगे। देखिए ये देखिए जो धागा हमारा बैक साइड रहेगा ये ऐसे निकालेंगे, इसी लूप से निकालेंगे। ये देखिए चैन बनानी है हमें, बहुत इजी है, बस अब हमारा बनता जाएगा। देखिए कैसे फिर से ये लूप को हमने साइज का लेंगे इस साइज, अब इस पॉइंट में आएंगे नेक्स्ट वाली में, तो ये बता तो हमको हर एक स्टिच में बनाना है, या इस पॉइंट में, इस पॉइंट में सेंटर से लेते हुए आना है ऐसे, तो ये लूप को इतना लूज रखना है कि इस पॉइंट तक आएगा ये। ये देखिए हमने, एंड ये हम इन बैक साइड से ही लेंगे, स्लिप स्टिच है ये बनाया हमने। देखिए ये देखिए लूज किया अपने लूप को, सेम इस पॉइंट में आएंगे सेकेंड वाली जो हमारी बैक साइड से लेंगे, अब इसी लूप से डायरेक्ट निकाल लेंगे। ये देखिए फिर नेक्स्ट में आएंगे, अब बहुत ईजिली बन जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट में आएंगे, यहाँ सेंटर से ही आएंगे, ये इसी लूप से निकालेंगे, ये हमारी चैन बनना स्टार्ट हो गई। फिर सेंटर में आएंगे, इस पॉइंट में आएंगे, शेप देना हमें लीप का, ये देखिए बहुत इजी है। ये देखिए ये सेंटर आया हमारा, इस पॉइंट से लेंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बट बनने के बाद बहुत ओरिजिनल लुक आएगा लीफ का। ये देखिए आपने देखी होगी मैंगो लीफ, बट ये जो ओरिजिनल लुक है आपने अभी तक देखा ही नहीं होगा, किसी ने नहीं बनाया है यूट्यूब चैनल में। ये देखिए आप इसको दूसरे कलर से भी बना सकते हो, यहाँ से मैंने बनाया, ये देखिए सेंटर से ही लेना है हमको, ये शेप देना है, ये देखिए ये पूरा शेप देते हुए हमें आना है। ये देखिए शेप आने लगा लीफ का, तो ये अब यहाँ से जो हमने यहाँ सेंटर से ही आना है, बैक साइड से हमें लेना है उनको। ये देखिए स्लिप स्टिच ली हमने चैन को, ये हमने अपने लूप को लूज किया, इस पॉइंट तक आएंगे बैक साइड से,
वूल को लेंगे, ये निकाल लिया हमने, ज़्यादा टाइट नहीं लेंगे। नेक्स्ट में आएंगे, अब बहुत इजी बन गया हमारा। अब ये यहाँ से हमारे इंक्रीजिंग पॉइंट थे, सेंटर में ही लेंगे, थ्री चैन के बीच से ही लेंगे। ये देखिए तो शेप आएगा, जहाँ जहाँ से हमने अब थ्री डबल क्रोशेट लिए थे उन्हीं के सेंटर से ही अब हमें बनाना है। 1 2 3, ये देखिए जो इंक्रीज किया था वहीं से बनाना है हमें। यहाँ से आएंगे, ये देखिए बन के रेडी हो गई। थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जैसे जैसे बनाएंगे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से लास्ट है, लास्ट में हमने लिया 1 चैन एंड वूल को कट कर देंगे, थोड़ा बड़ा ही लेंगे। ये हमारी मैंगो लीफ बनकर रेडी हो गई। ये देखिए ये पूरा परफेक्ट बिल्कुल बनकर रेडी हो गया। अब बैक साइड से ये सभी वूल हम इन कर देंगे, बाद में कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग मैंगो लीफ बनाकर रेडी थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें, एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि मैं उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सी तोरण पत्ती का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी आपको। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ।